सो गाइस आज का व्लॉग वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज आज का ब्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है और आज की ब्लॉग में बताऊंगी कि जैसे कि हमारे इंदौर में चल रहा है इन्फ्लुएंजर का क्रिकेट मैच, सो उसमें बहुत सारी टीमें सारे इंदौर के इन्फ्लुएंजर है, तो मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी, तो आप लोग बने रहे और अभी मैं आपको अपनी टीम से मिलवाती हूँ। तो गाइज हमारी टीम का नाम है ब्लू स्ट्राइकर, तो जल्दी जल्दी आ जाओ यार। और ये मैं हूँ, ये है। मैं प्रतीक, और अभी हमारी एक लड़की मैच खेले, लव और पूर्वी, तो उनको भी हम बताएंगे। मैच खेले तो ऐसे वाले बैट से खेले, इससे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। प्रतीक भैया की टीम काफी एक्साइटेड है हमको हराने के लिए, लेकिन हम भी बहुत एक्साइटेड है इनको हराने के लिए, तो हो सकता है इसी बात पे ड्रॉ भी हो जाए मैच, ये भी हो सकता है, लेकिन ड्रॉ होने होंगे नहीं, और होगा तो भी हमारी टीम क्वालिफाई है हमारी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मिलते हैं फिर, है ना, मिलते हैं, चलो। तो गाइस आप देखो इनकी कैसी हालत हो गई मैच के पहले ही, क्रिकेट खेलने के पहले इनकी कैसी हालत हो रही है। चलो इधर हम व्लॉग ले रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है मैच की, आपको पता है क्या? गाइस हमारा मैच पिंक कलर की टीम वालों के साथ, पिंक पांडास के साथ, पिंक पांडास आप देख रहे हो कितने क्यूट लग रहे हैं। इसलिए बात है पांडास से टाइगर्स से जीतेंगे, यस लाल कर देंगे। गाइस ये है रितिका दीदी, ये तनु, ये याशिका, याशिका याक्षा, हाय, और मैं हूं टोइया, और वो पिंक पांडा, हर्षित, पिंक पांडा से हर्षित। सो गाइस अभी हम लोग आज कंपटीशन किसके साथ है तुम्हारा? पिंक पांडा। हमें कंपटीशन, नाइस। व्लॉग में एक और इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं, हमारी टीम जीतेगी ऐसे हमको चीयर करने आए। अच्छा, स्वैग से कुछ नहीं होता, ऐसे लोग सिर्फ बोलते हैं हम करके स्वैग, स्वैग अगर इसे धक्का दूंगा तो देर टप्पे में आ जाएंगे शो के पास। यार हाई वॉइस तो प्लीज, चलो बोलो। हे गाइस, इंदौर में फर्स्ट टाइम आईसीसीएल हो रहा है और आज हमारे ब्लू स्ट्राइकर पांडे के साथ मैच है और आज यही जीतेंगे। थैंक यू, सही काम। ब्लू कलर समझ के पानी में समझना मेरी जान, क्योंकि पानी भी बरसात से आता है और देखो बादल भी आ गए। हाँ मेरी जान। हमारा मैच शुरू होने वाला है और अभी है मैच ऑरेंज टाइगर और रेड टाइगर्स का। सागर रेडी टीम और पीजे है ना? पीजे हाँ। सागर टीम जो है ऑरेंज फाइटर्स की। अरे जानने दो, आप हमारे साथ मैच खेलेंगे, देखते हैं हम जीतते हैं या ये लोग जीतते हैं। सात स्ट्राइक में है पीजे, जो कल जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला था, और बॉलिंग पे है बॉल पे है गुलशन जो बॉलिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा, नो बॉल का इशारा करते हुए पार ने बताया और ये फ्री हिट है। बहुत सारे प्लेयर्स को खेलना पड़ेगा तभी मेरे ख्याल से स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। सोनल जा रही स्ट्राइक पे, जाओ ना स्ट्राइक। रुद्दो, यो अगला मैच पांडा वर्सेस स्ट्राइकर्स और दोनों टीमें काफी एक्साइटेड नजर आते हुए
दोनों टीम के प्लेयर और ओपनिंग पर जा चुके हैं, एक्साइटेड हो गेम के लिए रुतु भाई, और नॉन स्ट्राइक पर है सोनल। देखते हैं इस टीम की क्या स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छा बॉलर का नाम आशीष, दो टीम में से कौन जीतती है, और ये बहुत अच्छी बॉल का प्रदर्शन किया है आशु ने। स्ट्राइक पे है प्रतीक जो कि ब्लू स्ट्राइकर्स के बहुत अच्छे करने के लिए ये बारिश आई है, तो इसका मजा ले ना कि इधर उधर भागे। चलिए इंदौर की पहली बारिश है, तो जिनको बॉलर चेंज हुआ, बॉलर चेंज हुआ, नाम बताइए बॉलर। बारिश की जाए। बाय द वे पिंक पांडास का है, पिंक पांडा डीजे किसके वेलकम में, आकाश जी, आकाश टीम टीम मिला ले नहीं सर, रोहित भाई साइड में जाओ, वीडियो चल रही, वीडियो 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 एक सेकंड नेक्स्ट डे। सो कैसा लग रहा है, आज हम जीतेंगे या नहीं? जीत गए, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, स्ट्राइकर्स जीतेंगे, जीतेंगे या नहीं, जीतेंगे जीतेंगे, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, जीत गए हैं, जीत गए, ये देखो डिस्कशन चलते हुए। एंड ये हमारी ट्रॉफी, देखते हैं किसको मिलेगी। और देखते हैं कि अभी आए हैं यहाँ पर ग्रीन गैंगस्टर्स और सामने देखते हैं किसको लेके आए। हमारी पार्टी हो रही है और ये देखिए हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, जीतने की खुशी में हम लोग खा रहे हैं तीन राउंड। ये देखो देखिए खूब खाया जा रहा है, खूब लपक के। अब हमारा एक और है मैच, वो भी वो इंदौरी की टीम के साथ, तो देखते हैं। वो बहुत टफ मैच है, होप कि हम सब जीतेंगे भाई।
पहला मैच होगा वो सेमीफाइनल होगा ब्लैक लायंस एंड रेड ड्रैगन्स के बीच, चाहे वो उनके अक्षर हो। बहुत ही बढ़िया खेले हैं और सभी टीम यहाँ से ऑरेंज फाइटर भी और हमारे महेश भैया की टीम भी बहुत बढ़िया खेली है। ऑरेंज फाइटर्स हो और चाहे वो येलो वॉरियर्स हो, दे हैव प्लेड वेरी वेल। 80 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पास आ चुके हैं और आज के दिन में जो टीम क्वालिफाई है उनके लिए भी और जो हारी है उनके लिए भी ये कोई मैच कुछ भी वो जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार लास्ट में मैं चाहूंगा ICCL के लिए एक बार हम सब लोग मिल करके चीयर करें ऑन अकाउंट ऑफ 3, 1, 2 and 3। चीज हमें बहुत बड़ी बात भूल गया, ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलिए, वैसे हमेशा लेट पहुंचने वाले लेकिन फिर भी स्माइल रखती है अपने चेहरों पे और अपनी टीम को बिना प्रैक्टिस के यहाँ तक लेके आया, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में प्रतीक? अपनी इंदौर की भाषा में बोले तो एक नंबर। अरे क्या बात है, एक नंबर भैया। और ठीक है ठीक है, सब जनों को मेरी तरफ से। अगर इसके बाद सारे लोगों के एक मिनट भैया, वीडियो चल रहा है ना, सही है ना? कोई बात नहीं, तो गुरु कृपा में सबकी पार्टी रहेगी मैच होने के नेक्स्ट डे, क्योंकि कल तो लेट हो जाएंगे अपन लोग। दबाव में हाँ ठीक है, बट आप बता दीजिए नेक्स्ट डे रखेंगे ताकि सागर भाई बड़े दिल टूटे आशिकों के लिए बड़े अच्छे गाने बनाते हैं। एक गाने गा दो यार सागर, कमान है अभी का प्लस सागर है, कमान सागर। तुम आओगी मुझसे मिलने, चुपके चुपके कह रहे दिल में दीवाना। हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है। किच किच थी उन लोगों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई और उनसे प्यार हुआ और इनसे दोस्ती होगी, मैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यार ऐसे सीजन से बहुत सारे लोग थे जिसमें हमारी थोड़ी सी बहस हो गई थी, लेकिन इस सीजन के थ्रू मैं इनसे मिला और ये सब चीजें खत्म हुई, प्यार बढ़ा और वापिस से वही दोस्ती हो गई। इसीलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है ये इवेंट यहाँ पर और बहुत इमोशनल मोमेंट है ये हम सबके लिए कि यार हम इतने सारे लोग आज एक साथ एक मुट्ठी में खड़े हैं, 30 से 50 मिलियन एक साथ खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। अब कोई कैप्टन रह तो नहीं गया है, एक मिनट और बाकी की बातें फाइनल पे भी छोड़ दी जाएगी। फाइनल में भी कुछ बात करेंगे, बहुत जोरदार थालियां, उसने भी बहुत मेहनत करी है, मेहनत तो की है, लेकिन आज पंकज वो भी ये पूरे एसेसरीज का छोटी छोटी चीजें जो इधर उधर से कलेक्ट करनी थी वो काफी पंकज ने भी कलेक्ट किया। और जो हमारे वीडियो नहीं है आज, वीडियो बनाना है, चलो सही बात है, वीडियो नहीं है, वीडियो बनाना है। आज हमारा फोर्थ डे है मैच का, मेरा भाई भी है। कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बस जितना ज्यादा प्यारा भी नहीं होना चाहिए, बारिश आ जाए। हवा अपने आप चल रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तुम सिनेमैटिक में कर रही हो, देख सकते हो स्काईलाइन का वीडियो, मैनेजमेंट पूरा यही देखता है, मैनेजर का हेड है ये। अरे ओनर है यार, और हम आगे आपको दिखाएंगे स्काईलाइन में और क्या क्या है और आगे व्लॉग में बने रहे।
ब्लॉग में क्या क्या हुए। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप साफ सफाई के आपने मतलब साफ सफाई कैसी चल रही है बस, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अभी नगर निगम भी कुछ इनिशिएटिव्स निकाली है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट, आइए देखते हैं कमल की बॉलिंग क्या करती है। और देखिए देखिए कौन आ रहा है तो क्या है इशारा वाइट बॉल का। अब हम मैच देखेंगे और खाएंगे। शॉट मारने की कोशिश काफी आसानी से, यहाँ पर जनता घबराती हुई वीर की बॉल्स से। चार ओवर की समाप्ति में कुल मिला के 46 रन आ चुके हैं व्हाइट टाइगर्स के खाते में, बड़ा बनते। और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। अरे यार तुम नहीं चिल्लाने। और ये बल्ला घुमाया लेकिन नाकाम रहे वीर। अच्छी बॉलिंग प्रदर्शन है आपस, दिव्या ने बड़ी अच्छी फील्डिंग प्रदर्शन दिखाया लेकिन एक रन बड़ी। और यह एक और छक्का खास है। और लेखक मैच पर बैठे हुए स्ट्राइक पर हमारे साथ वीर और लेखक और बॉलिंग पे हमारे इसीलिए तो कहते हैं दिव्या जो अपनी बॉलिंग के लिए बहुत चर्चे में रहती है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग करती है दिव्या। तो स्ट्राइक पर हमारे साथ अश्विन और पारुल और बॉलिंग पे है दिव्या। देखते हैं दिव्या की बॉलिंग कैसी होती है स्ट्राइक पे अश्विन। लेकिन बहुत अच्छी आसपास कोशिश की सृष्टि ने। देखते हैं क्या होता है मैच के आओ Yeah.
बनाए थे 71 रन, बहुत बड़ी बात है पहले ही मैच में, बहुत बड़ी बात है नीरज। कमल बिंद्रानी जहां कहीं भी हो प्लीज जल्दी से आ जाइए और महेश बिरानी इनको सम्मान करेंगे यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां कमल के लिए, बहुत बेहतरीन खेल है यार कमल यार, तालियां बजाएं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, वन एंड ओनली सागर कालरा, बहुत बढ़िया सागर, सागर को सम्मान करेंगे यहाँ पर। आइए आइए मैं साथ में चाहूंगा इंदौरी आरटीसी टीम में से डॉक्टर ने यूट्यूब में प्रेजेंस है, मिलियंस में व्यूज आते हैं, उसी तरह से आज इन्हें आईसीसीएल में ये मैन ऑफ द मैच बने हैं। अनाउंस जो तीसरा मैच हुआ था वो था रेड ड्रैगन्स वर्सेस ग्रीन गैंगस्टर्स के, और पीजे को पुरस्कार देने के लिए उनके मित्र उनके भाई ओ इंदौरी यानी कि रॉबिन उनको पुरस्कार दे रहे हैं यार, बहुत बेहतरीन मैच हुआ था। इसके मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली बॉबी चरेसिया, क्या बात है तो बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए ब्लैक लायंस के, और उन्होंने फुटबॉल स्टेज पर जोरदार तालियां के लिए, क्या बात है। और इनको नीरज भाई आएंगे, नीरज भाई, नीरज भाई सम्मान करेंगे इनका, जल्दी से जोरदार तालियां, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। नीचे ये गेस करके बताओ तुम, माने गेस करिए यार आप लोग, कमाल यार नहीं गेस है। जो ब्लू स्ट्राइकर और पिंक पांडास के बीच मैच हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो बने हैं उनका नाम है ब्लू स्ट्राइकर से अंकुश, अंकुश मान करेंगे, क्या बात है या एक बार बता दूं कि सही है, ही इज वन एंड ओनली महेश बहरानी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए यार, जिस तरह से उनकी इंस्टाग्राम पर हमारे सपोर्टिंग बॉय नावेद को बुलाऊंगा मैं यहाँ पर इनका सम्मान करने के लिए, जल्दी आ जाइए। इतना बेहतरीन खेलते हैं यार शक्ति, आज भी उन्होंने इतनी बेहतरीन, रोहित अमेरिया इनका सम्मान करेंगे, दोनों डांसर्स एकदम कमाल के डांस, और इंदौर का भी नाम रोशन किया रोबोटिक डांस करके, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ब्लैक लॉयन वर्सेस ब्लू स्ट्राइकर में जो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे उनका जो नाम है वो है सबसे क्यूट पर्सन है यार, चलो बता दो क्यूट से उनका नाम चिकू व्यास, उनके ट्रॉफी देने आएंगे पंकज भाई हमारे, जोरदार तालियां हो जाए एक बार चिकू के लिए, बहुत ही शानदार। और एक बार मैं एक इनके रन भी बताता हूँ, इन्होंने 28 बॉलों पे 129 रन मारे थे यार, ह्यूज रन इन्होंने बनाए थे, थोड़ी जोरदार तालियां उनके लिए, प्रतीक भाई के लिए भी जोरदार तालियां, क्या बात है, पार्टी कर रही है गुरुकृपा में भी बाकी ट्रॉफी सम्मान देकर पुरस्कार देकर के इनको, बहुत बढ़िया अश्विन, अश्विन बहुत बेहतरीन, सभी को दिल से धन्यवाद इतना बड़ा जो भी कराया मैं पहली बार बोल रहा हूँ। तो एक शायरी बोलना चाहूंगा कि एक शायरी मेरे तरफ से कि धोखे तो मिलेंगे मेरी जान कांटों से भरा ये रास्ता है, धोखे तो मिलेंगे मेरी जान कांटों से भरा ये रास्ता है, और आऊंगा वापस कामयाब होकर मेरा महाकाल का मुझे वास्ता, क्या बात है, जय श्री महाकाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी से साथ हमारी प्लेयर पूरी सीरीज में जो जिस लड़की ने सबसे ज्यादा विकेट लिए है इस बार, चलिए एक बार कोई बात नहीं फिर भी एक बार फिर से पूछ लेते, चलो बताइए कौन है, चलिए ये बहुत ही मतलब किनारे पे है दोनों चीजें, लेकिन मैं ये जो ट्रॉफी जाएगी वो जाएगी नंदनी के हाथों में, वाकई में यार, और इससे पीछे एक और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी इस सीरीज में, मुझे ये भी समझ में आया पीछे कि जो फीमेल प्लेयर्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है, चलिए पायल को ताली से सम्मान कीजिए, उसके 5 विकेट अकेली लड़की ने लिए, बहुत बड़ी बात है, और मुक्के देंगे हमारे रॉबिन भाई, मुक्के देंगे, मुक्के बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, बिल्कुल पायल कुछ बोलना चाहती है, मैं बोलना चाहती हूँ कि हारने से कोई छोटा नहीं होता है और जीतने से कोई बड़ा नहीं होता है, और अब मुकाबला है मैच का नहीं फॉलोअर्स का, हमें
चलिए चलिए सपोर्ट किया है। अब बिग राउंड पास पर आकाश जी बहुत ज्यादा ताली होगी बहुत ज्यादा ताली। और जो मैं अवार्ड देने जा रहा हूँ आकाश जी विनर ट्रॉफी देकर इनका सम्मान करें एक बार जोरदार ताली और वाइट टाइगर जी क्या बात है। 3-2-1 वाइट टाइगर्स ने ICCL सीजन वन में बता दिया है कि वो लोग ICCL 1 के विनर्स में इनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। वेरी ब्यूटिफुली ऑल दी टीम मेंबर्स चाहे लेखक हो आसिफ हो शक्ति हो कैप्टन वीर हो अश्विन हो तारुण हो कमल हो चलिए गोविंदा गौरी गोविंदा हो केशवी हो या नन्नी हो सभी के लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए यार। चलिए इसी के साथ सारी ट्रॉफीज भी खत्म होती है और ये सीजन भी है रनर अप का जो कि इस फाइनल में हार कर दिल जीता है जिस टीम ने रेड ड्रैगन की टीम को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। टीम के सभी मेंबर्स को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा चाहे वो जितने मेंबर्स हो मैं चाहूंगा हर एक प्लेयर के लिए हम लोग सब लोग एक बहुत बहुत जम के ताले बजाए यार। दे हैव प्लेड वेरी ब्यूटीफुली लास्ट तक जो मैच था बड़ा टक्कर का था बड़े कांटे की टक्कर का मैच था चाहे वो रोमी हो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि हमारे अंकुश जी को मिला है मैन ऑफ द मैच के लिए छोटी सी ट्रॉफी इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है उसको बहुत सिखाया लेकिन सुबह इनको 5:30 बजे लाने वाला मैं ही बंदा अकेला था फोन करने वाला मैं मैसेज करने वाला मैं था कि मैं नहीं आऊंगा झूठ 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 अब हम हमारा ब्लॉग यही एंड करते हैं। सब झूठा।